गाइस कैसे आप, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक और नवील सरदार भाई की क्या हुआ खुसरो पाकिस्तान में जो गेम्स हुई कम, तो नवील सरदार भाई के ब्लॉग लेकर आ गया, देखते हैं आज क्या हुआ ऐसी बात, और ये हमें जानने की बहुत इच्छा थी गेम्स कम हुई क्या हुई, समझ में नहीं आया कि गेम्स कैसे कम हुई, किसी खेलने कूदने का मूड नहीं था या फिर कोई डांस वांस कर रहे थे। तो देखते हैं आज की वीडियो और जानते हैं, उम्मीद करते हैं आपका प्यार मिलेगा। सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मस्ट है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, 3, 2, 1 एंड गो। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और क्वेश्चन कैसा था मेन मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, बालों का सत्यानाश हो चुका है, स्प्रेज लगवा लगवा के तो बस शो पे जाना था। नाश हो गया अली बालों का, तो ऑयलिंग कर रहा हूँ। जिस दिन से फूफा घर आया हूँ 3 बार ऑयलिंग कर चुका हूँ, तभी बाल वापस कुछ आते दिख रहे हैं, कुछ घने हो रहे हैं बाल। जज़ाकअल्लाह और सरसों के तेल का शुक्रिया। आप क्या कर रही हैं फरा? मैं कुछ नहीं, मैं बैठी हुई थी, मैं काम कर रही। मैंने सुना है आप लोग जा रहे हैं जी, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे। जी आप भी आ जाए। अभी शो चलता कैसे है, कितने बाल टूट रहे हैं यार, ओह माय गॉड, हेयर फॉल, मजा हो जाऊंगा। चले अभी बस ये लगा के फिर मैं जाऊंगा नहाने। 4 क्या टाइम हो गया मेरे ख्याल से 4 बज, हाँ 4:30 हो चुके हैं, देख क्या का टाइम, तो 4:30 हो चुके हैं। मैं बस ये ऑयलिंग करके 15 मिनट में नहाने चला जाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे बोल की जाने, और अली भाई घूमते हुए अपने मस्त माहौल में जी रहे थे। चलो मैं हो गया हूँ लेट, फरा मेरे लिए कर रही है इस्त्री शर्ट, और मैं बस अभी नहा के निकला हूँ। थैंक यू फरा, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं, चाय भी बना के पिलाई है उसने भी। कौन कौन से मैं तुम्हारी नेकियों को झुठलाऊंगा, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो आज ये पहन रहे हैं, कपड़ों की कमी नहीं है, नए कपड़े ठंड, और ये भी कपड़े फुल पैक हो चुके हैं क्योंकि फूफो भी निकल रही हैं। किधर जा रही है फूफो? फैसलाबाद जा रहे हैं फूफो, हो गई ढंग, पंजाब जा रहे हैं हम। थैंक यू फरा। पहन ली है जीन्स, नहीं पहनी जीन्स, पहन के बस राइड कर रहा हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि पैकिंग वगैरह कर रहा था, और पैकिंग वगैरह में टाइम बहुत लग गया, और बस यही है। और कुछ प्लानिंग वगैरह हो रही है कुछ फ्यूचर के लिए, तो उसके ऊपर भी ये शर्ट कैसी लग रही है, बस अच्छी लग रही है, तो कुछ फ्यूचर की प्लानिंग भी हो रही है, उसके बारे में भी आपको सून व्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो बस मैं अभी निकल रहा हूँ यार, लेट हो गया हूँ, बोल पहुंच चुके हैं, और खुद ही अपना जो हल्का फुल्का टचअप कर लिया, और अभी बस ऊपर जा रहा हूँ, और ये हमारी टीम की 2 लड़कियों के बाल ही नहीं पूरे हो रहे हैं। क्या हो गया भाई जान आपको, तो ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं यार? शो शुरू होने वाला है, और ये हमारी क्वीन रानी हमारे टीम की, इन लोगों को इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो चुके हैं, मैं तो जा रहा हूँ भाई ऊपर, और आई एम ऑन द वे, तो ऊपर जाते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है, और ऊपर आ चुका हूँ, और गाने की आवाज़ तो सुन के लग रहा है जो शुरू हो चुका हुआ है, क्या हो गया रेडी हो रही है। तो जी आ चुके हैं पहले ब्रेक पे, और अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, फ़ोटोज़ हो रही हैं, सबकी फोटो हो रही है, मैं भी चाह रहा हूँ अगर फोटो हो जाए तो मैं भी खड़ा हूँ लाइन में फोटो। देखते आए हुए हैं, और पीछे रबीका का गाना चल रहा है, और इधर फोटोज चल रही हैं, नहीं नहीं इस पर नहीं लगेगा, किसकी कॉल आ गई, फोटो भाभी हमारी फोटो क्लिक करवाते हुए। तो जी शो शुरू होने लगा है, और क्रिकेट का टाइम है, और मैं अपना दूसरा ब्लॉग कर रहा था, तो उस चक्कर में अब्दुल्ला नहीं बताना, अब्दुल्ला नहीं बताना यार, अब्दुल्ला नहीं बताना, नहीं मैं बात अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ क्या नहीं बताना, आंसर नहीं बता, पता नहीं
शो शुरू हो चुका है और क्रिकेट होगा शो शुरू होते ही। नबील सलमान और एसएन की गेम पड़ी है, गायब हो जाएंगे आप। ये फिल्टर अजीब से फिल्टर लगा के वीडियो बना। हाँ। अच्छा तो जी ब्रेक पे आ चुके हैं। अच्छा फ्याज एसन एंगल देखी सही है, तीनों आ रही है। आप उसके फेस के आगे आ रहे हो, ये सही है बिल्कुल। अगर आप भीख मांगने हैं ठीक है। तो जी हम आ चुके हैं सेकंड ब्रेक पे, रंगबा सेट हो चुका है और एक बंदा जो मेरे व्लॉग खराब करता है वो दूसरों के व्लॉग अब बना रहा है, तो इससे बदला लेने का टाइम तो आ रहा है ना। क्या सब शो चल रहा है भाई जान, शो चल रहा है टीवी पे आएंगे क्या हम? फिर क्यों नहीं बता देते? बहुत तंग किया इस बंदे ने मुझे मेरे व्लॉग में। हाँ गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है। और सबसे थैंक यू सो मच, अभी हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया रोस्टिंग, ठीक है। अच्छा तो रोस्टिंग में आपको सब सामने वाले के लिए सच बोलना पड़ता है, उसकी सारी जो चीजें होती हैं गलत वो बतानी पड़ती है। जरूरी नहीं है अच्छा। रोस्टिंग में आप सच ही बोल रहे हैं। अच्छा रोस्टिंग का तो मतलब है कि झूठ आ दिए तो हम झूठ बोल रहे हैं। okay, सही थोड़ी बोल रहे हैं, यही तो बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो कॉमेडी के लिए होता है, सम टाइम द सेक ऑफ कॉमेडी। थोड़ा सा बोले आप डरते हैं आपकी फटती है? नहीं, अगर सुने अगर फटती होती ना तो इतनी बार हराया नहीं होता सामने वालों को, तो डरते तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात इतनी सी है कि रोस्टिंग जो आप वर्ड जिसका मीनिंग पूछे ना उसमें फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी समटाइम आपको चीजों को एलिवेट करना पड़ता है। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो अकलमंदी की बात जहां होती है भागने का बहाना। तो जी आपको क्या हो गया, इतनी सीरियस बैठी है यहाँ पे? आपने मेरा मेन चैनल का व्लॉग खराब किया, बड़ा मजा आया आपको है ना, बहुत जालिम हो गई है। मेन चैनल का व्लॉग देखेगा जो बोल तो दें। मेन चैनल का व्लॉग दीजिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और क्वेश्चन कैसा था मेन चैनल वाला? बहुत अच्छा था और बहुत ही दिमाग का क्वेश्चन था, और यहाँ पे सबके दिमाग बंद हो रहे थे तो जाग गए थोड़ा सा। मैंने कहा IQ क्वेश्चन लेके लोगों की, इससे पता है कि आपकी जहानत बढ़ेगी इससे। okay. क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो आपका IQ लेवल बढ़ता है। तो होपफुली हफ्जा को मजा आया होगा ये देख करने में। हाँ ये क्या कर रहे हैं? वही तो देख रहा हूँ, इसको क्या हो गया ऐसे बोल रहे, क्या हो गया इसको? मियाँ बीवी आपस में कुछ बातें करते हुए क्या हो गया भाईजान आपको? पाकिस्तान स्टार वाले यही बोलेंगे उनके फैन के दिल में चिट्ठी की है इधर कुछ, तुमने बैटरी में से नंबर निकाल लिया, बता तुम्हें बैटरी में से नंबर निकाला तुमने यार, ये चीटर है यार, इधर बैठा कोई चीटिंग कर रहा है, ये शक हो रहा है इस पे कोई, और पीछे जाके नंबर देख लो। नहीं इसने बैटरी के अंदर से रंगबाज के नंबर निकाल लिए। ये होगा ही वाला क्रिकेट होगा, होगा ऑब्वियसली बैटरी पड़ी है। तो ऑलमोस्ट शुरू होने लगा है और हमारा भाई बैठ चुका है और ये हमारी टीम, क्या सोच रहे हो भाई जान अकेले क्यों बैठे हो? आज इनके पीछे पड़ गया, क्या इतना डिप्रेशन किस चीज का चल रहा है? गाना मैं सुनते आता हूँ, कौन सा गाना सुनते आता हूँ मैं? तू छट नहीं सकती। हाँ शो शुरू होने लगा है, नबील नबील शो खत्म हो गया, नबील डांस करना है तुमने? तो जी शो शुरू होने लगा है और ये देखें क्या क्या खाना खुल गया, क्या तीन मीडियम तीन क्या क्या खा, अरे ये क्या भाई क्या है क्या मीडियम से बोल गया, कपड़े बेचना शुरू कर दिए तुमने? तीन मीडियम ठीक है, लड़पड़े बच्चे लड़पड़े कपड़ों के लिए, ये कपड़े मिल गए, कपड़े मिल गए। अच्छा क्या हो गया कौन सा साइज मिल गया आपको? स्मॉल मिल गया। ये शोहर ने बेगम की भी ले ली है। मैं बेगम की भी मैं ही उठाऊंगा, क्या हो गया? ईशा ने क्यों नहीं ली? ईशा अच्छा बढ़िया, मजा आएगा यार। चलो यार तो एक पॉइंट से हार गए एक कौन सा आ रहे, नॉट अ बैड गेम। तो जी शो से फ्री हो गए, मैं निकल रहा हूँ, मैं अपना दूसरा मेन ब्लॉग बना रहा था, उस वजह से ये वाला ब्लॉग मेरा डेली ब्लॉग होते हैं वो रह गया थोड़ा सा। खैर
फयाज निकल चुका है, लेकिन आज मुझे जाना फयाज की तरफ ही है क्योंकि मुझे कुछ काम है और लिफ्ट लेट आएगी तो यू भी जा रहा हूँ। और सब जा चुके हैं, हार गए आज का मैच, ओवरऑल बराबर जा रहा था गेम्स में, गानों में आके हम माइनस में चले गए और फिर भी अल्लाह ने इज्जत दी कि सिर्फ एक पॉइंट से हारे हैं। खैर अभी स्टूडियो से जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि जाके देखते हैं क्या हुआ, अभी शूज़ चेंज करूँगा फिर निकलूँगा मैं प्यास के करके। जी मेकअप रूम में आ चुके हैं, ये जो चल क्या रहा है सिर्फ पूरी ये मुझे इस बोल में माशाल्लाह से 10 महीने हो गए हैं, ठीक है, और 5 सीज़न हो गए हैं माशाल्लाह। यहाँ ये जो रानाइयाँ हैं ना बोल की, ये माशाल्लाह है माशाल्लाह, देखें टैलेंट देखें, मियाँ बीवी भी हैं, बहनें भी हैं, बहन भाई भी हैं, फिर इनके बारे में क्या बात करें, चलो छोड़ो फिर ये बहन भाई भी हैं, तो मतलब रिलेशंस की बहार है और मैं एक अकेला, लेकिन अकेला मतलब अल्लाह साथ है भाई, बाकी टेंशन कोई नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं खाता हूँ, छोटे के नेड़े नहीं जाता हूँ, मुर्गी को हाथ नहीं पाता हूँ, ये एक पंजाबी सेइंग होती थी हम लोग बचपन में कहते थे कि टेंशन लेनी नहीं, छोटा कुछ खाना नहीं, बड़े के नेड़े जाना नहीं, तो मुर्गी को हाथ पाना नहीं। अभी ये तो भाई तो मैं दिखाना ही भूल गया था, ये भी हमारे शो की रनाई है, कहा था ना जरा, मैं ना शो की रनाइयाँ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या रिश्ते हैं इधर माशाल्लाह, हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये दो भाई भी हमारे पास अकबर अमर अकबर एंथनी साहब है, ये दूसरा पानी अच्छा खत्म इनकी कहानी, ये है अकबर और बाबर की कहानी। सब बनना चाहते हम जैसे क्योंकि हमारा अंदाज है अपना अपना। ये जो तुमने ये मुझे दिखाओ, ये इसका क्या है? मेरी हाइट है नाटी, मैं हूँ इल्यूमिनाटी। अच्छा लड़ाइयाँ हो रही है, मजेदार सा खाना, कोफ्ते लग रहे हैं मुझे, कोफ्ते क्या हुआ यार, कुछ नहीं बोले, जब खाऊं भी नहीं क्या, बाहर मिलते ना थोड़ी देर बाद। तो मैं बाहर गया था पेप्सी लेने और मेरा आज मूड था छत पे बैठ के खाने का फयाज भाई के साथ। फयाज भाई उसामा से बात कर रहे हैं, क्या उसामा से बात कर रहा हूँ मैं फोन पे, हाँ। पे लेके आ गया, हाँ। उसामा बोल। उसामा ने एक्चुअली मैं आना था अभी घर लेके, खैर तो मैं पेप्सी लेने गया था फयाज भाई को पीने का जूस, साथ मुझे एक दुकान दिखी जिसके पास बर्गर मिल रहा था, बर्गर लेके आए, अब मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं, तो टेस्टिंग के लिए ले आया हूँ, टेस्टिंग के मोटिव से देखें कैसा होता है फर्स्ट टाइम। फ्राइज भी है भाई जान, ऐसा नहीं है कि फ्राइज नहीं है, मैं भी एक ट्राई कर लूँ फ्राइज, हाँ भाई जान ये मेरी तो मेरे तो जूस ले गया, रात जवान है, जवान है रात जवान है, रात जवान वो देखो ना, वाह निकले हुए हैं, सिर्फ हम ही ढल रहे हैं, रात जवान है। चलो यार लेट अस ट्राई दिस बर्गर, और रात आज छत पे गुजरने वाली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जब मैं दिल से टूटा होता हूँ तो मुझे आसमान अच्छा लगता है। कैसा है भाई रिव्यू दे बर्गर का? अच्छा अच्छा, अबे यार इसको जिंगर बोला था, ये जिंगर है जिंगर नहीं, ये तो पैटी बर्गर दे दिया इसने। चलो तो जी बर्गर हमने खा लिया। अच्छा बर्गर खाने के बाद ना फयाज भाई मुझे दिखा रहे थे कि कोई ना इधर क्या लिख गया, जिंदगी हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, कहाँ मेरा रोज का ना मुझको कोई रोक के ना किसी ने रोक का, आज मैंने ब्रेकअप की पाड़ी रख ली है, एक से एक बोतल दारू पी ली है, स्पीड
लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पार्टी पे यार ये ब्लॉग तो खत्म हो गया लेकिन बताया नहीं यार यार मेरे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या मेरे सर के ऊपर से चला गया गेम शो में गेम्स हो गए कम कैसे कोई तो वो बताया नहीं यार वो हम भी उसी का वेट कर रहे थे कि जल्दी बताया क्या हुआ नहीं हुआ मेरे ख्याल से मैं वो ड्रेस वगैरह उनको दे रहे थे ना लेकिन वो तो गेम्स के बाद दे रहे थे वो तो गेम खत्म हो गया था शो खत्म हो गया था उस टाइम पे तो बता ही नहीं यार क्या बात में नहीं आया मैं समझ क्या बोलूं इस पे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि यार गेम्स हो गए कम जो टाइटल लिखा हुआ था ऐसा क्या हुआ खुसरो पाकिस्तान में जो गेम्स हुई कम तो वो बताया नहीं यार और हम सस्पेंस से रहेंगे लास्ट में लास्ट बताएंगे आप बताएंगे ब्लॉग एंड हो गया बट हम सस्पेंस में अभी हुआ क्या है क्योंकि बताया नहीं यार लास्ट में हुई के बाद समझ नहीं आया क्या बात हो गई खैर कोई बात नहीं लेकिन ब्लॉग बहुत अच्छा था ब्लॉग बहुत शानदार था और एक बात देखी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनको ड्रेस मिली है अब देखने में ज्यादा मजा आएगा हाँ जर्सी मैंने क्या जर्सी मिली क्योंकि अब मजा आएगा दोनों टीम में टक्कर हो कभी ना कम कंफ्यूज आते हैं हाँ। कि उनकी साइड से बोल रहे हैं साइड से बोल रहे हैं बीच में मतलब कि कोई ऐसा गेम्स आते हैं ना जिसके अंदर सब आ जाते हैं और एक आध बारी होते हैं ये सब बात कर रहे होते हैं ना तो ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं समझ में नहीं आता ये उनकी साइड से बोल रहे हैं इनकी साइड से अब थोड़ा वो रहेगा कि हाँ भाई चलो ये मम्मी मतलब मम्मी चलाते रहेंगे हाँ ये सच्चे तो ये थी आज की वीडियो मिलती है आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच आप सभी का शुक्रिया दोस्तों।